हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ तीन ऐसे टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, अबाउट Lightroom शेयर करने वाला हूँ, जिनको यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हो। ये जो फीचर्स या टूल्स हैं ये थोड़े एडवांस्ड हैं और मोस्टली मैं ये अपने पेड वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ, बट थैंक्स टू Xaero जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो रहा है। आई टॉक अबाउट Xaero गोइंग फॉरवर्ड, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस Lightroom ट्यूटोरियल। अब Lightroom में सेलेक्टिव एडिटिंग के लिए तीन टूल्स होते हैं। इन तीनों टूल्स को जब आप यूज़ करते हो सकता है आपने अभी तक रियलाइज ना किया हो, आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल का, है जिसको मैं प्रीसेट्स बोलता हूँ, उसको आप कैसे बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, अगर लेट्स सपोज मैं रेडियल फिल्टर ले लेता हूँ और रेडियल फिल्टर में मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इस पॉटर का जो हैंड है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ नीचे से इन्वर्ट को सेलेक्ट कर लूँगा ताकि जो भी इफेक्ट है वो अंदर अप्लाई हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आप देखोगे ये एक ऑप्शन है इफेक्ट का। अब यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और वो इफेक्ट आपके इस जो भी आपने शेप सेलेक्ट करा उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखोगे ये जो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट करा था, उधर एक प्रीसेट है वाइट का जो अपने आप अप्लाई हो जाता है, तो आपको बार बार स्लाइडर्स इधर उधर करके एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ प्रीसेट्स होते हैं, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे क्लैरिटी बढ़ाना है, मैं सीधा क्लैरिटी पे क्लिक करूँगा और अपने आप उसमें क्लैरिटी बूस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 50 चूज़ हो रखा है क्लैरिटी में। तो ये एक बहुत इफेक्टिव और ईजी टू यूज़ वे है। अगर आपको समझ नहीं आता कि भाई मुझे कैसे स्लाइडर कितना मूव करना है, आपके पास ये प्रीसेट्स बने हुए हैं, यहाँ से आप हाईलाइट्स, वाइट शेडोज, ब्लैक्स, क्लैरिटी, इवन डीहेज है, डीहेज बहुत अच्छा टूल होता है जो आपका हेज थोड़ा सा हटा देता है। तो एक बार ये आपको प्रीसेट दे देगा, उसके बाद आप मैनुअली जाके एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं जल्दी से एक और इमेज पे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है पोर्ट्रेट का जो मैंने शूट करा था। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे आईज़ में थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा चाहिए आईज़ में, तो मैं सीधा यहाँ पर ब्रश पर जाऊँगा। पहले तो मैं सिर्फ आईज़ को सेलेक्ट कर लूँगा और ये वाली ट्रिक बहुत सही है, मैं बहुत बार इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आईज़ को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इस इफेक्ट्स पे जाके, लेट्स सपोज मैंने वाइट्स को सेलेक्ट कर लिया, वाइट कहाँ गया, ये रहा। अब आप देखोगे वाइट्स को सेलेक्ट करा तो ये प्लस 25 वाइट्स कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक्स पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आप ब्लैक्स पे जाओगे तो ब्लैक्स को प्लस 25 कर देगा। तो ये आपके पास एक बने हुए प्रीसेट्स हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक आयरिस का अलग से बना हुआ है। अगर मैं आयरिस एनहांस पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीसेट है प्लस 0.35 एक्सपोजर, सैचुरेशन एंड क्लैरिटी का एक कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं एक जल्दी से आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे जो करा है उसका आफ्टर रिजल्ट क्या आया है, तो दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर। सो बहुत स्लाइट चेंज है बट आपको क्लैरिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। सो ये कुछ प्रीसेट्स हैं जिसको यूज़ करके आप सेलेक्टिव एडिटिंग अगर कर रहे हो और आपको नहीं पता कितने स्लाइडर्स मूव करने हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। अब आगे जाने से पहले हम बात करते हैं Xaero की, विच इज़ अ वेबसाइट बिल्डर, एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, एक आर्टिस्ट हो, या इवन आप फन के लिए फोटोज क्लिक करते हो, आपको एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो या आप अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हो, ताकि आप एज अ प्रोफेशनल अगर एक्ट करना चाहते हो अपने क्लाइंट के साथ, हैविंग अ वेबसाइट इज अ मस्ट। मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे। सबसे पहली चीज़ है इसका वेबसाइट बनाने का तरीका, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं एलिमेंट्स। अगर आपके पास फोटोज हैं, आप सीधा अपलोड करो, आप उसको मैनुअली ड्रैग करके हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपका कोडिंग का बैकग्राउंड है तभी आप वेबसाइट बना सकते हो, इट्स वेरी इजी टू मेक। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक लोगो यहाँ पे डाला है, उसके बाद मेरे पास सोशल आइकन्स हैं और ये सारी इमेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। और अब यहाँ पे एक इंस्टाग्राम फीड का भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, आप अपनी पूरी इंस्टाग्राम फीड को सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और आपको इंडिविजुअली फोटोज नहीं डालनी पड़ेंगी। विद अ वन क्लिक आप सारी इंस्टाग्राम फीड को यहाँ पे डाल सकते हो। सो ये एक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो। तो Xaero वॉज वेरी काइंड टू मी, एंड आप लोगों के लिए 30% का डिस्काउंट कूपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो Kunal30, इसको अगर आप यूज़ करते हो सो यू कैन अवेल 30% ऑफ अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हो एंड यू गो फॉर दैट प्लान। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में आपको कोड एंड लिंक है वो मिल जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं सेकेंड टूल के बारे में, एंड
ये इतना इंटरेस्टिंग टूल है, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं करा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलिब्रेशन टूल जो लाइटरूम में इस सेक्शन में एकदम लास्ट में आपको दिखेगा, कैलिब्रेशन का ये ऑप्शन। अभी टूल इंटरेस्टिंग क्यों है, आप यहाँ पे देखोगे आपको रेड प्राइमरी, ग्रीन प्राइमरी, ब्लू प्राइमरी, ये तीन ऑप्शंस देखेंगे एंड इनके अंडर ह्यू एंड सैचुरेशन है। एंड ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन होगा कि इसमें अगर रेड ग्रीन ब्लू है और यही सेम चीज़ ऊपर HSL ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस में भी ये कलर्स होते थे तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये ग्रीन कलर है लीफ का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं ग्रीन कलर का सैचुरेशन कम करता हूँ, आइडियली क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रीन कलर का सैचुरेशन कम होना चाहिए। अब ये देखो, आप देखोगे इवन जो फ्लावर है उसका भी सैचुरेशन कम हो रहा है। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो फ्लावर का भी बढ़ रहा है एंड लीव्स का भी बढ़ रहा है। सिमिलरली मैं आपको एक बार HSL में भी लेके जाता हूँ और वहाँ पर हम करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मैं सैचुरेशन पर गया, अब अगर मैं यहाँ पर ग्रीन का सैचुरेशन कम करता हूँ, आप देखोगे फ्लावर में कुछ भी नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो सिर्फ प्रॉपर ग्रीन कलर जो है एक्चुअली उसमें हो रहा है। एंड अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो भी सिर्फ ग्रीन कलर में ही हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या होता है, आप बेसिक लेवल पे आपको ही इतना पता होगा कि आपकी जो भी इमेज आपके सेंसर में रिकॉर्ड होती है कैमरा में वो RGB कलर में होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और उनके कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन लीफ है या ये जो सन है या इवन जो ये मच्छर या जो भी बैठा हुआ है, ये सारे कलर्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ RGB। सबसे सही तरीका देखने का क्या है, अगर मैं यहाँ पे माउस ओवर करता हूँ, आप ऊपर राइट साइड हिस्टोग्राम के नीचे देखोगे R के आगे एक वैल्यू है, G और B इन तीनों के आगे एक वैल्यूज़ हैं। ये बेसिकली दिखाता है कितने परसेंट रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। सो टोटल 100% होता है। यहाँ पे अगर मैंने ग्रीन लीफ पे करा है तो यहाँ पे 36% रेड है, 47% ग्रीन है एंड 13% ब्लू है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन एडजस्ट करूँगा यहाँ कैलिब्रेशन से, तो यहाँ पे जो मैं कैलिब्रेशन में रेड ग्रीन और ब्लू को एडजस्ट करता हूँ, वो ये जो आप वैल्यूज़ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली चेंज होती हैं। तो अगर ये ग्रीन लीफ है, इट हैज़ अ मिक्स ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो इसीलिए अगर आप देखोगे मैं रेड का अगर सैचुरेशन कम करता हूँ तो आप देख रहे हो लीफ फ्लावर दोनों का ही सैचुरेशन एडजस्ट हो रहा है। अगेन वही रीज़न है बिकॉज यहाँ पे मैंने जब लीफ पे माउस ओवर करा था तो आपने देखा था उसमें जो रेड है इट इज़ अराउंड 30-32%। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता है कि आप कैलिब्रेशन कब यूज़ करोगे और HSL कब यूज़ करोगे। HSL मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ करता हूँ बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे ग्रीनरी है मुझे उसे एडजस्ट करना है तो मैं HSL से करूँगा। बट कैलिब्रेशन हम तब यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मेरे लिए ये यूज़ तब होगा जब मैं दो कैमरा में शूट कर रहा हूँ, एक सोनी में शूट करा और एक कैनन में, दोनों की मैं रॉ फाइल्स लेके आया, दोनों में अगर सेम एक्सपोजर्स है कहीं ना कहीं कलर्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे और वो अगर मुझे एडजस्ट करने हैं, मैं इधर कैलिब्रेशन में आके थोड़ा बहुत स्लाइडर्स हिला के उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। आप नॉर्मली भी एडिट कर सकते हो, अगर ये इमेज है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लू का अगर ह्यू चेंज करता हूँ तो ऑल ओवर जहाँ भी ब्लू पिक्सल्स होंगे वो उसका ह्यू चेंज करेगा, ना कि सिर्फ ब्लू कलर का। तो ये मेजर डिफरेंस होता है HSL एंड कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन को यूज़ करके भी आप बहुत एडवांस लेवल पे एडिटिंग कर सकते हो। आई होप ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये शायद आपके लिए नया हो, इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन एंड अगर ये आपको यूजफुल लग रहा है डू इट द लाइक बटन एंड कमेंट योर व्यूज। अब लास्ट टूल है HDR हाई डायनामिक रेंज। आपने बहुत बार इंटरनेट पे आई गेस आप अवेयर होगे HDR क्या होता है, बट Lightroom में भी आप HDR इमेजेस बना सकते हो। टेक्निक अगर आपको देखनी है मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बेसिक लेवल पे अगर मैं समझाऊं, अब यहाँ पे जो आप इमेज देखोगे मेरे लिए एक करेक्ट एक्सपोजर है, ये एक फ़ोटो मैंने लिया, दूसरा फोटो मैंने लिया जो मेरे लिए एक स्टॉप ब्राइट था और तीसरा फोटो जो मैंने लिया वो मेरे लिए एक स्टॉप डार्क था एज़ कम्पेयर टू माई करेक्ट एक्सपोजर। तो यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे आपको क्या करना होता है, 3, 5 या 9 फोटोज़ लेके उसको मर्ज कर सकते हो आप Lightroom में और आपको एक इस तरह का HDR इमेज मिल सकता है। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आपको वो तीनों इमेजेस Lightroom में इम्पोर्ट करनी होंगी, यहाँ से आप तीनों इमेजेस सेलेक्ट कर लोगे, देन आपको राइट क्लिक करना है किसी भी उन तीन इमेजेस में से एक में, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक फ़ोटो मर्ज का ऑप्शन दिखेगा एंड फोटो मर्ज के आगे ही आपको HDR का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर मैं HDR के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब वो क्या करेगा, Lightroom अपने एल्गोरिथम से तीनों इमेजेस को मर्ज करके एक HDR बनाएगा, एक्सपोजर्स मर्ज करेगा एंड इवन थोड़ा सैचुरेशन और कलर्स के साथ भी प्ले अराउंड करेगा। तो यहाँ पे आप जब आप इमेज देख रहे हो ये एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है तीन एक्सपोजर्स का, तो इसको मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ
एंड अब ये एक मुझे HDR इमेज बना के विद इन सेकेंड्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लैपटॉप का कितना रैम है, तो वो आपको एक इमेज बना के दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊँ, ये है मेरी इमेज जो मैंने करेक्ट एक्सपोजर के हिसाब से ली थी, और ये है मेरी HDR इमेज। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब मुझे एक्सपोजर डिटेल्स मिल रही हैं, क्लाउड्स में डिटेल्स हैं, शेडोज़ में डिटेल्स हैं। ये चीज़ अगर आप सिंगल एक्सपोजर में निकालना चाह रहे हो, आप सिंगल रॉ इमेज में निकाल सकते हो, बट उसमें जितना आपको टाइम लगेगा हो सकता है 10-15 मिनट लगे, बट इस HDR टेक्निक को यूज़ करके आप लेस देन अ मिनट में आप इस तरह की इमेज आपके पास मिल जाएगी। इसके बाद आप थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करके अपने हिसाब से इमेज को ब्यूटिफाई कर सकते हो। तो ये थे तीन इंटरेस्टिंग Lightroom के टूल्स जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे एक प्रोफेशनल एडिटिंग वर्कफ्लो बनाने में। एंड अगेन थैंक्स टू Xaero, अगर आप अवेल करना चाहते हो 30% डिस्काउंट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप ये आपको अच्छा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग।